बिहार में चर्चा शुरू हो गई है जाति जनगणना को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विशंबर निषाद जी। विशंबर जी, बिहार में तो चर्चा शुरू हो गई, नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात, क्या कहेंगे? वाकई में इसकी ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में भी क्या? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिलना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 1931 में जनगणना हुई थी, 1931 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, पूरे देश में मांग चल रही। पिछली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी लोकसभा में भी इस बात को मुद्दे को लाए थे, बोले थे, प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया था। लेकिन 2011 में जाति जनगणना के आंकड़े नहीं प्रकाशित किए गए। हमारी मांग है कि 2021 की जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जितनी संख्या है हर सेक्टर में उनको भागीदारी दी जाए। लगातार समाजवादी पार्टी मांग करती है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि 2021 की भी जनगणना जाति जनगणना नहीं है, तो ऐसे में आप लोग मांग जरूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो उनके साथ में सरकार में भी है, लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल उसकी इच्छुक नहीं दिख रही है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार हमारी मांग है, सड़क से लगा सदन तक हम लोग मांग करते हैं कि जब तक हमारी संख्या नहीं पता चलेगी, जाति जनगणना नहीं होगी कि कितने हम लोग जो है किस क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर सेक्टर में कितने हैं, हमारी कितनी भागीदारी है, शासन प्रशासन भागीदारी है और हमारी कितनी संख्या है, संख्या के आधार पर हमको भागीदारी मिलना चाहिए। ये सवाल लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी करते चले आए हैं और हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और लगातार ये मांग रही। जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक हमारी मांग जारी रहेगी। यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी यही कह रही है कि जाति जनगणना की ज़रूरत है जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाए, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार उसके पक्ष में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो है एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा शुरू हुई है, तो अब जो वो सभी दल जो लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे थे उनकी भी अब यही मांग है कि इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी सांसद रिपुन बोरा, लेकिन आज जो संदेश हाथ में है, सेव आसाम, सेव मिजोरम, सेव इंडिया, और कांग्रेस लगातार अब सवाल भी उठा रही है जिस तरीके से आसाम सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया है। रिपुन, आप एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर के संसद भवन पहुंचे हैं, लेकिन सबके बीच में एक सर्कुलर भी आया है आसाम सरकार का, क्या कहेंगे? ना, ये देखिए, जो सर्कुलर जो एडवाइजरी निकला है मिजोरम जाने के लिए जो मना कर दिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि हम दोनों स्टेट पड़ोसी स्टेट है, ब्रदर स्टेट है, एक परिवार का है। अभी ऐसा नफरत हो गया कि हम अपना परिवार में जा नहीं सकता है, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। और इसको हल करने के लिए मैं लगातार पिछले 3 दिन में हाउस में ये 267 के तहत मैं नोटिस जारी किया था डिस्कशन के लिए, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिला है। आज मैं सारा अपोजिशन MP हमको सपोर्ट किया है, उसके बावजूद भी हमको परमिशन नहीं मिला है। मैं फिर आज इसको ये मुद्दा उठाने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन सर, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मानते हैं कि दुखद हैं अपने देश में इस तरीके के सर्कुलर या एडवाइजरी जारी करने पड़ रहे हैं? नहीं, यही तो बहुत दुखद की बात है, क्योंकि दुश्मनी कंट्री में हम लोग को, जो हम लोग का दुश्मन कंट्री है उसमें ऐसा एडवाइजरी निकलता है, लेकिन अपना देश का अंदर में, अपना ब्रदर कंट्री का अंदर में, स्टेट का अंदर में ऐसा एडवाइजरी निकालना बहुत दुखद की बात। यानी साफ तौर पर कांग्रेसी सांसद रिपुन बोरा, जो कि संसद भवन परिसर में मौजूद है, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से आसाम सरकार को एडवाइजरी निकालनी पड़ी है, ये अपने आप में दुखद है, क्योंकि दूसरे देशों को लेकर के तो इस तरीके की एडवाइजरी जारी होती रही थी, लेकिन अब अपने देश में। ABP News, आपको रखे आगे।